एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रमेश था, दूसरे भाई का नाम भोला था। रमेश बड़े से घर में रहता था। दूसरी तरफ छोटा भाई गरीब था और गरीबी में रहता था। वो लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। भोला इतना भोला था कि उसने अपने भाई से बंटवारे में से कुछ नहीं मांगा। उसके बड़े भाई ने उसे जो दिया उसने वही रख लिया। एक दिन भोला की पत्नी भोला से बोली, घर में खाने का एक भी दाना नहीं है, हम क्या खाएंगे? तभी उसका पति बोलता है, क्या आज घर पर खाने को कुछ भी नहीं है? लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी बात सुनेगा और हमें इस गरीबी से मुक्ति दिलाएगा। आप ठीक कहते हो, पर हम क्या करेंगे? मेरे पास तो थोड़े पैसे है, इससे जो होगा वो देखो तुम। आप इसे रहने दो, आप अपने भाई के पास जाओ और उससे मदद मांगो। ठीक है, तुम कहती हो तो बड़े भाई से मदद मांगता हूँ। फिर भोला अपने बड़े भाई के घर की ओर चला जाता है। भैया आप हमारी मदद करो, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं राशन खरीद सकूं। तू फिर आ गया, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तू जा यहाँ से। फिर भोला उदास मन से वहाँ से चला जाता है। भोला अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उस साधु बाबा ने कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दो, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मैं दो दिन से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास तो थोड़े से पैसे हैं, इसे हमारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इन पैसों से शायद आपका पेट भर सकता है, इसे आप ही रख लो। इतना कहकर भोला साधु बाबा को पैसा दे देता है। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा, आज के जमाने में तुम जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जो दूसरे की मदद करता हो। तुम बहुत उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? बाबा आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़े से ही पैसे थे जो मैंने आपको दे दिए। मैं आज अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने गया, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मेरी कोई मदद नहीं की, अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सीधा जंगल में चले जाओ, फिर जंगल के बीचों बीच तुमको एक गुफा मिलेगी। वह गुफा जादुई है और उस गुफा में बहुत सारा जादुई धन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई लालची इंसान उस खजाने को छूता है तो वह इंसान पत्थर का बन जाता है। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुश्किल में भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जाओ बेटा। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के बीचों बीच उसको गुफा मिलती है। बाबा ठीक कह रहे थे, यहाँ तो बहुत ही सारा सोना है, इसमें से थोड़ा सही सोना लेकर चलता हूँ, इससे हमारा बहुत सा राशन आ जाएगा। वो उस सोने को बेचकर राशन का सामान लेकर घर चला जाता है। उसकी पत्नी बोलती है, अरे आप इतना सारा राशन का सामान कहाँ से लेकर आए हो? तभी भोला उसको सारी बात बता देता है। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, हमें अब कोई परेशानी नहीं होगी और हमारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ठीक कहती हो तुम, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप रुको मैं खाना बनाकर लाती हूँ। उन्होंने अच्छे से पेट भर कर खाना खाया। भोला हर दिन गुफा में जाता था और थोड़ा थोड़ा सोना लेकर उसे वह बेच देता था। देखते ही देखते भोला बहुत ही अमीर हो गया। गांव में उसके चर्चे होने लगे। यह बात तो उसके भाई को भी पता लग गई। अरे ये तो थोड़े दिन पहले ही मुझसे पैसा मांगने आया था और इतना जल्दी अमीर कैसे बन गया? कुछ बात है, मुझे इसका पता लगवाना पड़ेगा। एक दिन रमेश उसके पीछे जाता है और गुफा देख लेता है। अच्छा तो यह है उसके अमीर होने का राज, देखता हूँ अब कैसे ये सोना लेकर जाता है। अब ये सोना मेरा हुआ और मैं आज ही ये सारा सोना लेकर जाऊंगा। जैसे ही रमेश सोने को हाथ लगाता है वो पत्थर का बन जाता है। वीडियो में